विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 44 साल हो चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक स्थापना दिवस को उत्साह के साथ मनाया। इसी के तहत सिंगरौली में भी जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक 44वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में सिंगरौली में भी यह कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी, जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब से लेकर अब तक पार्टी जनता की सेवा कर रही है। पूरे देश में बीजेपी का संगठन काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज अर्श से लेकर शिखर तक पहुंच गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह प्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तब से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई है, ये कहेंगे कि सोने से शिखर तक जो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नया इतिहास रचा है, निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बड़ा ही योगदान रहा है। माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठ नेतृत्व हमारे रहा है। उन लोगों के संघर्ष से, उन लोगों ने जो इस देश में काम किया, भारतीय संस्कृति के आधार पर जो हमारा भारत का निर्माण आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज देश का नेतृत्व कर रही है। क्योंकि छात्र आज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर में, जो हमारी बूथ की समिति है, बूथ अध्यक्ष हैं, वहाँ पर हमने मनाने का पूरा हमारा नेतृत्व ने काम किया था। और हमारे सिंगरौली जिले में बूथ स्तर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।